बार बार बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के नेतागण है, ये कहते हैं कि हम लोग किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सीएए के खिलाफ मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए हुकूमत को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता कि हमने क्या मांग की है, वो सही है, जायज है या नाजायज है। अब दूसरा भ्रम, बार बार ये कहा जाता है कि ये जो सीए एक्ट है ये हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, रेडवुड आर्टिकल 21 के खिलाफ नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर के खिलाफ भी है, जिसका हिंदुस्तान, भारत हमारा मुल्क, एक सिग्नेटरी है। अब मैं आखिरी बात पर आकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 पूरा अधिकार देता है हर एक भारत के नागरिक को कि वो अपने इस हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करे शांतिपूर्ण तरीके से। मेरे दो सवाल है, जहां पर भी दंगे और हिंसा हो रही है वहां पर बीजेपी का शासन क्यों है, बीजेपी की पुलिस क्यों है? सबसे पहली बात, जहां पर बीजेपी का शासन और पुलिस नहीं है वहां पर दंगे क्यों नहीं हो रही? मेरा साफ आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगों में बीजेपी का फायदा था। दूसरा बात, एनआरसी से जोड़ने की बात अमित शाह जी ने की, आप लोगों के, आपके सहयोगी राहुल कंवल से भी उन्होंने की, मैं उसकी बात पर बाद में होगा। एक लास्ट चीज कहूंगा, बीजेपी स्वयं जिसका जन्म 1980 में हुआ है वो हमसे 1970 के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। बीजेपी पहला 1970 के अपने डॉक्यूमेंट दे दे बीजेपी, और दूसरी चीज, और दूसरी चीज आपको मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। मैं जी कर दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जी मैं हर चीज को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, इसको लेकर 59 याचिकाएं अदालत के पास हैं, जिसमें अदालत ने कल सीधे सीधे स्टे लगाने से भले इनकार किया, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस किया कि आप इस पर जवाब दीजिए। तो जब अदालत में कार्रवाई हो रही है, ये आग लगाने का क्या मतलब है? इसको कैसे जस्टिफाई कर लेंगे आप? पेट्रोल बम हाथ में ले जाकर सड़क पे क्या प्रदर्शन करना चाहता है कोई? थैंक यू आपके सवाल के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए, थैंक यू। मैं उसका जवाब दे दूं। सबसे पहले स्टे की मांग हम में से किसी ने नहीं की थी, स्टे इस पे लग ही नहीं सकता, इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे स्टे तभी लग सकता है जब आप हुकूमत की बात सुने और जब एक्ट नोटिफाई हो। एक्ट अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। दूसरी बात, तो स्टे लगाने का सवाल ही नहीं उठता, हमने मांग ही नहीं की। दूसरी बात, एनआरसी के साथ सीधा सीधा ताल्लुक है, क्योंकि खुद इस देश के वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह जी ने बंगाल में कहा, मैं उनको कोट करता हूं, पहले मैं सीएबी यानी कि अब सीए की प्रक्रिया लाऊंगा, उसके बाद में एनआरसी की प्रक्रिया लाऊंगा, एनआरसी की प्रक्रिया में सिर्फ बंगाल में नहीं सारे देश में लागू करूंगा, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। अब तीसरी बात, आप कहते हैं कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सड़क पे निकल, सवाल पूछते, अपनी बात खत्म लगा दें जो सामने आए उसको, नौ लोग, उससे कानून रुक जाएगा? जी सर, आपने, जी सर ठीक है, मैं उसका जवाब, जी सर आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। ये प्रदर्शन जहां पर हिंसा हो रही है वह क्यों हो रही है, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है उन सूबों में क्यों हो रही है, उन राज्यों में क्यों हो रही है, उन पुलिस के वहां क्यों हो रही है, जिन सूबों में बीजेपी नहीं वहां पर हिंसा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बीजेपी इसके पीछे है। आसाम में 9 लोग शहीद हो गए, पीछे 9 लोग शहीद हो गए, पुलिस ने फायरिंग की उसके बाद। जी बंगाल में क्यों हो रहा है ऐसा? बंगाल में तो बीजेपी, बंगाल में आग इसलिए लग रही है क्योंकि जहां पर भी बीजेपी को, जी जी बंगाल में, क्योंकि जहां पर भी यूनाइटेड नेशंस और येल की रिपोर्ट है, जहां पर भी चुनाव होने वाले बीजेपी दंगे कराती है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं दंगों के पीछे बीजेपी का, और इसका सबूत मैं अभी खत्म करता हूं। मतलब एक आप कुछ कर पाएंगे जामिया की तो बीजेपी फेल होने की वजह से कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी ने अड़ा दिया था इसलिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर चीज में नाम बीजेपी का ही लेंगे। अगर सर सर अगर सर क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जामिया की रिपोर्ट में कहा कि उसमें एक भी जामिया का बच्चा इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर पुलिस अंदर जाकर लोगों को मारी क्यों? पीटी क्यों? लड़कियों के हॉस्टल में क्यों गए? लड़कियों के लाइब्रेरी में क्यों? जीवीएल जवाब देंगे ना, जीवीएल जवाब देंगे, फिर तो चलते हैं। झगड़ा मत कीजिए सर, अभी मैंने कॉमन सेंस की आपस में झगड़ा नहीं करे सर, कॉमन सेंस तो अपना अपना निजी मामला है ना, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। अब सारा आप ही नहीं करेंगे ना कि इसके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। और ये प्लीज इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। एक सेकंड, जीवीएल नरसिंह राव जवाब दीजिए उनको, फिर तौसीफ खान आपके पास आ रहा हूँ, ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसको लेकर बोलिए जीवीएल जल्दी से। नहीं नहीं रोहित जी, क्या इनका यह कहना है कि यदि सरकार का कोई फैसला या पार्लियामेंट का कोई लॉ पसंद नहीं आए तो अब कोर्ट में न जाएं और सड़कों पे उतरकर हिंसा करें? क्या इनकी दलील यह है? फिर कोर्ट क्यों जाते हैं बार बार, हर बार इसको भीड़ तंत्र के जरिए ही इसको संभालने की कोशिश करें? और क्या सोनिया गांधी बीजेपी की एजेंट बन गई है तो राष्ट्रपति जी के पास जाकर के कह रही है इस बिल को वापस लेना चाहिए? उनको यह कहना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, जो सड़क पर आ रहे हैं उनको पुलिस उनको मारकर उनको उनको रोककर
तो कानून की स्थापना करें, उनको सोनिया को यह कहना चाहिए ना। तो हमारे प्रदेशों में हमारे सरकारों को बदनाम करने के लिए आप हिंसा फैलाकर हम पर झूठ बोलने की साहस कर रहे हैं। क्या सीपीआई सीपीएम भी बीजेपी के एजेंट हैं? देश भर में क्यों आज उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया था? क्या तुम बीजेपी के एजेंट होते सिंह? क्या योगेंद्र यादव बीजेपी के एजेंट है? सीताराम येचुरी एजेंट है? आप सड़क पर क्यों निकले हैं? यदि आपको लगता है ये बीजेपी उत्साह रही है तो आपको घर बैठकर नसीहत देना चाहिए ना।